आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन जारी है। राजनीतिक दलों के बयानबाजी से शरणार्थी नाराज हैं और आज भी सड़क पर उतरे हैं। आपको बता दें कि कल अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भी उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया था। आज भी जो हिंदू शरणार्थी हैं उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था उसे लेकर नाराजगी शरणार्थियों में देखी जा रही है। जैनेन्द्र, कल से हम देख रहे हैं जो शरणार्थी है सड़कों पर उतरे हुए हैं, माफी मांगने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बयानबाजी की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीए को लेकर। ठीक है, जाएंगे जैनेन्द्र के पास, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, हाथों में तिरंगा लेकर जो हिंदू शरणार्थी है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। कल सीएम आवास की तरफ जाने की कोशिश हिंदू शरणार्थियों की तरफ से की गई थी और आप देखिए इस वक्त किस तरीके का माहौल वहां पर हो गया है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है सीए को लेकर, उसे लेकर जो शरणार्थी है उनमें नाराजगी है। उनका कहना है कि ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से बयान उन्हें लेकर दिए जा रहे हैं, और इसीलिए जो तमाम शरणार्थी हैं बड़ी संख्या में वो दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस जो है मौके पर मौजूद है, सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद हैं। जैनेन्द्र, क्या चल रहा है फिलहाल वहां पे? अभी तस्वीरें हम देख रहे हैं कल से सड़कों पर उतरे हुए हैं शरणार्थी, अभी क्या चल रहा है फिलहाल? जैनेन्द्र, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, लगता है तकनीकी खामी की वजह से जैनेन्द्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। और लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, हाथों में तख्तियां लेकर, झंडे लेकर जो शरणार्थी है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मौके पर मौजूद है। जैनेन्द्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जैनेन्द्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है, शरणार्थी भी सड़कों पर उतरे, क्या चल रहा है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, ये वो लोग हैं जिन्हें सीएए के तहत भारत की नागरिकता मिलनी है। पाकिस्तान से कहीं ना कहीं अपनी जान बचाकर भारत आए हुए हिंदू और सिख शरणार्थी हैं, और चूंकि भारत में जो विपक्षी गठबंधन है उसके ज्यादातर दलों ने सीएए का विरोध किया है, सवाल उठाए हैं। तमिलनाडु और केरल की सरकारों ने तो कहा है कि वो सीए को लागू नहीं करेंगे, तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों के रवैये के खिलाफ ये सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नई दिल्ली इलाके में ये प्रदर्शन फिलहाल चल रहा है, जहां पर कि कई सारे शरणार्थी पहुंचे हुए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक तरीके का ये देखिए एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है, और इस प्रदर्शन को कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है, क्योंकि सीएए के इर्द गिर्द जो नागरिक जो सियासत हो रही है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, वो कहीं ना कहीं एक भावनात्मक मामला है, और इसी वजह से एक वर्ग समर्थन कर रहा है, एक वर्ग विरोध कर रहा है, और इन सबके बीच जो वो तबका जिसे सीएए का फायदा होगा, यानी पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिख शरणार्थी, वो लोग जो है एक दिन पहले हमने देखा था, ये इन लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, और आज फिलहाल ये लोग नई दिल्ली इलाके में मानसिंह रोड पर स्थित है जैसलमेर हाउस, उसके पास से इकट्ठे होकर के कांग्रेस का जो दफ्तर है अकबर रोड पर उसकी तरफ बढ़ते हुए ये लोग गए। हालांकि इन सबको रोका जा रहा है और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की पार्टीज, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और इनका कहना है कि ये सीए के खिलाफ जो रुख है कांग्रेस या विपक्षी दलों का, ये ठीक नहीं है। जी, कल भी हमने देखा था बड़ी संख्या में जो शरणार्थी थे वो ये मांग कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल उनसे माफी मांगे, जिस तरीके से सीए पर बयान दिया था। लेकिन कल ही हमने वापस से मुख्यमंत्री का बयान सुना जिनमें उन्होंने शरणार्थियों पर ही सवाल उठाए थे। उनका कहना था किसानों को तो रोका जा रहा है लेकिन जो शरणार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें नहीं रोका जा रहा है, ये भी सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सीए को लेकर के राजनीति हो रही है, और बल्कि आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि वो वर्ग जो नागरिकता मांग रहा है वो इस देश की जो राष्ट्रीय पार्टी है और उसके जो मुखिया हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है इन शरणार्थियों को नागरिकता देने के मामले पर, चूंकि बड़े पैमाने पर इन्हें नागरिकता मिलनी है, और चूंकि वो विरोध कर रहे हैं तो अब ये खुलकर के आमना सामना आम आदमी पार्टी का और इन शरणार्थियों के बीच में हो रहा है। और
साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो इस मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शरणार्थियों का ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं मानवता का भी मामला है। ये भारत में आ गए हैं, रह रहे हैं, लेकिन चूंकि इनके पास नागरिकता नहीं है तो हमारे आपके जैसे अधिकार इनके पास नहीं है, और वही अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार ये कानून लेकर आई है। हालांकि इसमें चूंकि एक धर्म के लोगों को छोड़ दिया गया है इसलिए इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, इसको कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस मसले पर सियासत खुल करके हो रही है। हालांकि ये भी एक हैरानी की बात ये जरूर है कि वो लोग जो शरणार्थी हैं वो देश के राजधानी के नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि ये इलाका प्रदर्शन के लिए आमतौर पर प्रतिबंधित रहता है। ठीक है जयरिंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ABP News आपको रखे आगे।